सब्सक्राइब करें सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद आयुष्मान कौशल विकास शिक्षा संस्थान प्राथमिक शिक्षा अभियान, जिसमें कंप्यूटर टीचर, नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, योगा टीचर, DFA प्रशिक्षणों में सीधे प्रवेश चयन की प्रक्रिया जो है ओपन किया गया है। अगर आप लोग ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, आयुष्मान कौशल विकास शिक्षा संस्थान का ऑफिशियल साइट जो है यहाँ पर www.aisdeindia.com, इस साइट को जो है आप लोग गूगल में विजिट करके जो है आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है प्रशिक्षण का नाम क्या है, आयु सीमा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कोर्स अवधि क्या है, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन एवं आप लोगों की ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, कब से कब तक जो है इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, आप लोगों को इसमें फीस कितना लगेंगे, कि आप लोगों की इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ इस फॉर्म को फिलअप कर और पेमेंट कटाकर प्रिंट निकालकर लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है आप लोगों की मैं थ्योरी समझा देता हूँ, ताकि जो है आप लोग की यहाँ पर अधिक समझ में आ सके। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यानी कि ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रारंभिक की तिथि जो यहाँ पर 10 जून 2021 से जो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है 10 जून 2021 तक है। उसके बाद जो यहाँ पर ऑनलाइन फोटो तथा हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अपलोड करने की प्रारंभिक तिथि जो यहाँ पर 10 जून 2021 है। उसके बाद जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पर अंतिम तिथि जो यहाँ पर रखी गई है 29 जुलाई 2021 तक, यानी कि यहाँ पर 29/7/2021 तक जो है रखी गई है ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है यहाँ पर 29 जुलाई 2021 तक। उसके बाद जो यहाँ पर ऑनलाइन फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है 31 जुलाई 2021 तक, यानी कि यहाँ पर 31/7/2021 तक। और यहाँ पर जो है आप लोग की संपूर्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा सबमिट आने की यहां पर करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है 31 जुलाई 2021 तक। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है 10 जून से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका लास्ट डेट जो है यहां पर ऑनलाइन जमा एवं सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई 2021 तक जो है यहाँ पर रखी गई है। अब चलिए यहाँ पर जान लेते प्रशिक्षण का नाम क्या है, कोर्स अवधि क्या है, योग्यता क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या है। चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रशिक्षण का नाम जो है कंप्यूटर टीचर, अवधि जो यहाँ पर 2 वर्ष की है, उसके बाद यहाँ पर योग्यता जो रखी गई है 12वीं पास जो है आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा जो रखी गई है 17 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक जो यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद जो यहाँ पर नर्सरी टीचर है, अवधि जो यहाँ पर 2 वर्ष की है, योग्यता जो यहाँ पर 12वीं पास जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा जो रखी गई है 17 वर्ष से 38 वर्ष तक। उसके बाद जो यहाँ पर प्राइमरी टीचर की जो यहाँ पर अवधि जो है 2 वर्ष की है, उसके बाद जो यहाँ पर योग्यता जो रखी गई है 12वीं पास, उसके बाद आयु सीमा जो रखी गई यहाँ पर 17 से 38 वर्ष तक। उसके बाद योगा टीचर के लिए जो यहाँ पर अवधि जो है 1 वर्ष की है, उसके बाद जो यहाँ पर योग्यता जो रखी गई है 12वीं पास, आयु सीमा जो यहाँ पर 17 से 38 वर्ष तक जो यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद DFA फाइन आर्ट का अवधि जो यहाँ पर 2 वर्ष की है, योग्यता जो है 12वीं पास है, उसके बाद जो यहाँ पर आयु सीमा जो है 17 से 38 वर्ष जो है यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर आयु सीमा की बात करें, तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थी की आयु की गणना जो यहाँ पर 31 मार्च 2021 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट जो यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर फीस जो इसमें रखी गई है, यहाँ पर आयु सीमा की जो गणना की जाएगी, आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ पर देख लीजिए, 31 मार्च 2021 के अनुसार जो यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है यहाँ पर कितनी रखी गई है, आप लोग को रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से जो यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन एसाइड की वेबसाइट जो है यहाँ पर www.aisdeindia.com, ये जो ऑफिशियल साइट है, इसी साइट को जो है आप लोग को गूगल में जो है विजिट करना है। विजिट करने के बाद जो है आप लोग के पास जो है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आप लोग की कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोग से जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। आप लोगों की वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने की बाद जो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रक्रिया जो है आप लोग को पूर्ण करना होगा। इसमें जो है आप लोग की फीस कितना लगेंगे, तो यहाँ पर जो है आना
अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है आवेदन शुल्क जो है 400 रुपये जो है रखी गई है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जो है 300 रुपये जो है यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर आप लोग को इतना पेमेंट जो है आप लोग को करना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों की 5 स्टेप में जो है आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है करना होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है आप लोगों की यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आने की यहाँ पर आप लोग की रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का शुल्क जो है आप लोग को यहाँ पर पेमेंट जो है आप लोग को करना होगा। उसके बाद जो है आप लोग को थर्ड जो स्टेप जो है यहाँ पर थर्ड स्टेप में आप लोगों की यहाँ पर फोटो तथा हस्ताक्षर जो है अपलोड करना होगा, आने की फोटो एंड जो है आप लोग को सिग्नेचर जो है अपलोड करना होगा। 4 स्टेप में जो है फॉर्म के विशेष विवरण का जो है आप लोग को भरना होगा। आप लोग को 5 स्टेप में जो है ध्यानपूर्वक प्रिंट आउट लेना होगा। प्रथम स्टेप में जो है यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो है आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मांगा जाएगा www.aisdeindia.com। उस लिंक को जो है आप लोग की गूगल में विजिट करना होगा। उसके बाद जो है आप लोगों की ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ जो है आप लोग की स्टार मार्क्स जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, स्टार चिन्ह लगा देखने को मिलेगा, आप लोगों की उस बॉक्स को भरना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो आप लोग की नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर को जो है आप लोग की सावधानी पूर्वक जो है आपको कहीं पर नोट कर लेना है, या आप लोग प्रिंट लेकर अपने पास जो है सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया जो है इसमें होगी। उसके बाद जो है आप लोगों की द्वितीय चरण यानी कि सेकेंड स्टेप जो है यहाँ पर ओपन होगा। इसमें जो है आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क का जो है आप लोग को भुगतान करना होगा, यानी कि फीस डिपॉजिट स्टेप 2 में जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उस पर जो है आप लोगों की उस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये मात्र रखी गई है। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु जो है यहाँ पर 300 रुपये जो है रखी गई है। उसके बाद जो है पेमेंट गेटवे के लिंक के माध्यम से जो है आप लोग ऑनलाइन जो है यहाँ पर आप लोग जो है इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा से जो है आप लोग पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग सेकेंड स्टेप जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको थर्ड स्टेप जो है आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण पूर्ण होने के पश्चात तृतीय चरण अगले दिन जो है आप लोग को अग्रेतर कार्य दिवस को जो यहाँ पर खुलेगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर सेकेंड स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आपको जो 24 घंटे के बाद जो है आप लोग को जो है आप लोगों की लिंक खुलेगा। किसी भी एक चरण या शुल्क जमा ना होने की स्थिति में तृतीय चरण यानी कि स्टेप 3 जो है अगले दिन भी नहीं खुलेगा। तो आप लोग की सेकेंड स्टेप जो है कंप्लीट करने के बाद जो है आप लोग 24 घंटे के बाद जो है आप लोग स्टेप 3 एवं 4 एवं 5 को जो है आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। शुल्क जमा कर द्वितीय चरण यानी कि स्टेप 2 पूर्ण होने के दिनांक 24 घंटे के बाद या अग्रेतर कार्य दिवस में अभ्यर्थी को समान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन एसाइड की वेबसाइट जो है यहाँ पर www.aisdeindia.com। आप लोग की स्टेप 3 को जो है आप लोग को कंप्लीट करना होगा 24 घंटे के बाद। स्टेप 3 में जो है आप लोगों की यहाँ देखिए, जैसे आप लोग फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड लिंक पर जो आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मांगे गए स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर स्कैन कर जो है आप लोग को अपलोड करना होगा। तो एवं सिग्नेचर कितने साइज में होना चाहिए तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ जो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर कंप्यूटर फाइल यानी कि यहाँ पर जो है JPG, JPEG, PNG, TIF फॉर्मेट में जो है आप लोग को जो है अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का यहाँ पर साइज जो यहाँ पर रखी गई है 50 KB के अंदर जो है फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए, और यहाँ पर सिग्नेचर जो रखी गई है यहाँ पर 20 KB के अंदर जो आप लोगों की सिग्नेचर जो है इसमें अपलोड करना होगा। अगर आप लोगों की फोटो एवं सिग्नेचर जो है 20 एवं 50 KB के से ऊपर रहेगा तो आप लोग जो है इसमें अपलोड नहीं कर सकते। आप लोगों की 20 एवं 50 KB के अंदर ही रखना है फोटो एवं सिग्नेचर की। उसके बाद जो है आप लोग को स्टेप 4 में आप लोग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का शेष विवरण जो है आप लोग को भरना होगा। यहाँ पर अभ्यर्थी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात जो है सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन का शेष विवरण भरे और उन सूचनाओं को भली भांति देख ले कि सभी सूचनाएं सही सही भरी गई है, और पूरी तरह जो है संतुष्ट होने के बाद ही यहाँ पर फाइनल सबमिट बटन पर जो है आप लोगों की क्लिक करना है। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें त्रुटि हो जाती है तो यहाँ पर आप लोग बाद में जो है आप लोग एडिट नहीं कर सकते। आप लोग को ध्यान
ध्यान पूर्वक जो है इस फॉर्म को आप लोगों की फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फॉर्मेट में भरकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की निर्धारित तिथि तक जो है सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन पर क्लिक नहीं किया जाएगा आवेदन सबमिट नहीं होगा, जिसका दायित्व तो अभ्यर्थी का यहाँ पर होगा। यानी कि यहाँ पर समय सीमा जो यहाँ पर रखी गई है उस समय सीमा के अंदर ही आप लोगों की इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोग को स्टेप 5 में यहाँ पर क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट जो है आप लोग को ध्यानपूर्वक जो है ले लेना है। पंचम चरण में रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेने का आशय रजिस्ट्रेशन का पूर्ण होना। एक बार आवेदक ने द्वितीय चरण को पूर्ण कर लिया तो उसके पश्चात उसमें कोई भी आप लोग संशोधन नहीं कर सकते अगर आप लोग स्टेप 2 को कंप्लीट कर लेते हैं तो। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग जो है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में यदि कोई कठिनाई होती है तो वह जो है कस्टमर केयर का नंबर जो यहाँ पर दिया गया है इस नंबर के द्वारा अथवा जो है यहाँ पर ईमेल आईडी जो यहाँ पर दिया गया है इस नंबर के द्वारा या इस ईमेल आईडी के द्वारा जो है आप लोग अपनी समस्या को जो है यहाँ पर हल कर सकते हैं। इस नंबर पर या इस ईमेल आईडी पर जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आपका तुरंत जो है समस्या का समाधान जो है कर दिया जाएगा। अब चलिए मैं आप लोगों की लाइव प्रूफ के साथ जो है इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप जो है फिलअप करके जो है आप लोगों की मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है, सर्च टाइप में लिखना है www.aisdeindia.com लिखकर आपको सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट को जो है टिक कर देना। जैसे आप लोग डेस्कटॉप साइट को टिक कीजिएगा तो फुल पेज में जो यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर फर्स्ट में जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर फिर से जो है डेस्कटॉप साइट को टिक कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो है 10/6/2021 से जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है यहाँ पर 29/7/2021 तक है। फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है यहाँ पर 29/7/2021 तक है और फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट जो यहाँ पर 31/7/2021 तक है। आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग PDF को ओपन कर सकते हैं। बाद जो आप लोग को क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर जो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपके फोन में जो है इंटरफेस ओपन होगा। आप लोगों की मैं स्टेप बाय स्टेप जो है मैं बताया हूँ कि यहाँ पर जो है 5 स्टेप में जो है यानी कि 5 स्टेप में जो है इस फॉर्म को जो है फिलअप करना होगा। फर्स्ट स्टेप जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा, सेकेंड में पेमेंट करना होगा, थर्ड में जो है फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा और फोर्थ में जो यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा, 5 में जो है आप लोग को प्रिंट लेना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले इसमें जो है प्लीज सेलेक्ट कोर्स जो यहाँ पर आप लोग को कोर्स जो है सेलेक्ट कर लेना है। क्या क्या कंप्यूटर टीचर, नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, योगा टीचर, आपको जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी टीचर जो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है 2 वर्ष की यहाँ पर कोर्स, यहाँ कैंडिडेट का जो है इस बॉक्स में नाम फिलअप करना है इंग्लिश मीडियम में, यानी कि यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर में जो आप लोग को सारा का सारा नाम जो है फिलअप करना है। उसके बाद जो है इस बॉक्स में मदर्स का नाम फिलअप करना है, उसके बाद इस बॉक्स में फादर्स का नाम फिलअप करना है। मैक्सिमम जो है आप लोग 35 कैरेक्टर में जो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जो अपना कैटेगरी जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोग का कैटेगरी होगा यहाँ पर जो आप लोग कैटेगरी को जो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से जो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट जेंडर आ जाएगा तो अपना जेंडर जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी जो यहाँ पर इंडियन जो ऑलरेडी जो है यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर यस करना है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर नो करना है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद जो अपना मोबाइल नंबर जो इसमें फिलअप कर देना है, उसके बाद इसमें ईमेल आईडी जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद जो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जो दिख रहा है यानी कि 10th का जो यहाँ पर आप लोगों की मार्कशीट पर का डिटेल जो इसमें फिलअप करना होगा, यानी कि हाई स्कूल का। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम जो यहाँ पर देना है, जो भी बोर्ड से जो आप लोग पास किए होंगे तो आपका अपना बोर्ड का नाम जो इसमें दे देना है। तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसमें मैं फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर किस वर्ष पास किए है इसमें जो अपना पासिंग वर्ष जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद जो आप लोग को इसमें जो है रोल नंबर जो इसमें फिलअप कर देना है, जो भी आप लोग को रोल नंबर होगा अपना रोल नंबर जो इसमें फिलअप कर देना है। इज ग्रेड सिस्टम में नो कर देता हूँ। उसके बाद जो है उसके बाद इसमें आपका जितना 10th में जो आप लोग को मार्क्स आया है इसमें फिलअप कर देना है, मार्क्स आया है 10th में उतना फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है इस बॉक्स में कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था इसमें जो आप लोग को टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद जो आप लोग को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोग की इंटरमीडिएट का जो है यहाँ पर डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर किस वर्ष आप पास किए यहाँ पर जो आप लोग सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, यहाँ पर जो है आप लोग रोल नंबर को जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है इज ग्रेड सिस्टम में मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। आज यहाँ पर जितना आपको इंटरमीडिएट में मार्क्स आया है यहाँ पर जो आप लोग को डाल देना है। उसके बाद जो टोटल मार्क, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ यहाँ पर टोटल मार्क्स जो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो है आप लोग को क्या करना है, आपका प्रतिशत जो है यहाँ पर परसेंटेज जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। मार्क्स फिलअप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज फिलअप हो जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करना है। आप लोग को क्या करना है, ये कैप्चा दिख रहा है, एक कैप्चा को जो इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर पर यहाँ पर मैसेज भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए जो यहाँ पर कोर्स जो यहाँ पर 2 वर्ष की है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है प्राप्त हो गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट जो है आप लोग लेकर रख सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है आप लोग को संभाल कर रखना है। तो मैं यहाँ पर जो आप लोग को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा उसके बाद जो है इस पर जो है आप लोग को टिक कर देना है। उसके बाद जो है क्लिक हर टू जो है डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फीस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। लोग क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। डायरेक्ट जो है आप लोग जो यहाँ पर एससी कैटेगरी का जो यहाँ पर 300 रुपये जो यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है 306 रुपये जो आप लोग को पेमेंट करना होगा। आपको जो यहाँ पर चेक हेयर टू पेपर जो आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको जो यहाँ पर पेमेंट करना होगा यानी कि 306 रुपया। आप लोग किस माध्यम से जो है आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं आप लोग जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से जो है पेमेंट करने वाला हूँ तो डेबिट कार्ड पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है, जैसे आप डेबिट कार्ड का सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कार्ड नंबर को फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है फिलअप कर लेना है। उसके बाद CVV नंबर, ATM कार्ड पर जो आप लोग को ये सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पे 306 रुपये दिख रहा है, इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे जो भी आप लोग का बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP भेजा जाएगा। आप लोग को यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो OTP आ चुका है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये OTP जो है ऑटोमेटिक इसमें फिलअप हो गया। उसके आपको क्या करना है, सबमिट पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर जो आप लोग को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ATM कार्ड से जो यहाँ पर 306 रुपये जो कट गया है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर परचेज, यहाँ पर देख सकते हैं 306 रुपये का जो यहाँ पर पेमेंट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स को जो है मैं परचेज कर लिया हूँ प्राइमरी टीचर का। आपको बैक का जाना है, बैक आने के बाद प्रिंट पर जो आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप लोग से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो इसमें जो भी आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर और इस बॉक्स में जो है आपको कैप्चा दिख रहा है 45141 इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद जो आप लोग को प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपसे जो यहाँ पर सिग्नेचर एवं फोटो जो है मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है पेमेंट कटवाने के 24 घंटे के बाद यहाँ पर फोटो एवं सिग्नेचर जो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर साइज बता ही दिया हूँ, सारा का सारा 50 KB के अंदर जो यहाँ पर फोटो रहना चाहिए। जैसे आप लोग चूज फाइल पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट जो है आपका फोन में ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इस फोटो को जो मैं सेव कर लेता हूँ। इस सेलेक्ट करने के बाद जो आप लोग को क्या करना है, आपको जो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद जो आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पर थैंक यू योर फोटो सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुल जो यहाँ अपलोड जो यहाँ पर हो गया है। आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। यानी कि फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुल जो यहाँ पर अपलोड हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है थर्ड स्टेप यानी कि 3 स्टेप जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो आप लोग को 4 में जो है यहाँ पर डिटेल को फिलअप करना है और 5 में जो आप लोग को प्रिंट निकाल लेना है। थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो आप लोग को जो है क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो आप लोगों की यहाँ पर एड्रेस डिटेल जो है आप लोग को फिलअप करना होगा। इस बॉक्स में जो है नाम CEO का यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना विलेज का नाम फिलअप कर देना है। इसमें जो है अपना जो है पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप कर देना है। इसमें जो अपना सिटी का नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग की अपना स्टेट जो है यहाँ से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप लोग को स्टेट होगा यहाँ से आप लोग को स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर देना है डिस्ट्रिक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड जो भी होगा आपका एरिया का यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पर सेम परमानेंट एड्रेस है तो आपको जो इस पर टिक कर देना है। अगर सेम परमानेंट एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना होगा। मेरा जो यहाँ पर सेम परमानेंट एड्रेस है तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है सारा का सारा जो है फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है टिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर टिक कीजिएगा उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा।
होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि फोर्थ यहाँ पर स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर फाइव में जो क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट ले लेना है। तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो है स्क्रॉल डाउन कर देना है और सबसे नीचे जो है यहाँ पर आ जाना है। जैसे मैं नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो प्रिंट पर जो है आप लोग को क्लिक कर देना है। ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको जो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको जो ये प्रिंट को जो है आप लोग को अपने फोन में जो यहाँ पर सेव कर देना है। जो भी फाइल में जो आप लोग को सेव करना होगा आप लोग को सेव कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना फाइल में जो यहाँ पर सेव कर दिया हूँ। इस प्रकार से जो आप लोग प्रिंट ले सकते हैं, इस प्रकार से जो आप लोग को अपने फोन में जो सेव कर लेना है प्रिंट को। अब जो है आप लोगों की कुछ नहीं करना है, फाइव स्टेप जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसको जो है अपने पास जो है सुरक्षित रखना है। अब जो आप लोग को कुछ नहीं करना है, पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से जो है आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।